किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। आज पूरे देश का किसान अपने घरों को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ के, अपने गांवों को छोड़ के दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानूनों को पास किया है, और ऐसे कानूनों को पास करने के बाद जिसने हजारों लाखों किसानों को देश के अलग अलग हिस्से से, पंजाब से किसान आ रहा है, उत्तराखंड से किसान आ रहा है, उत्तर प्रदेश से किसान आ रहा है, हरियाणा से किसान आ रहा है, और इतनी ठिठुरती हुई ठंड में सड़क पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि देश की सरकार उसकी बात सुने। वो चाहता है कि जिस देश को वो खड़ा करता है अपने खून पसीने से, जिस देश को वो खाना देता है, जिस देश का वो अन्नदाता है, आज जब उसकी पेट पर लात मारी जा रही है इन कानूनों द्वारा, तो वो चाहता है कि कम से कम इस देश की सरकार उसकी बात सुने। और आज हमारे देश में किस तरह की असंवेदनशील सरकार है जो इन किसानों की, जो हजारों की संख्या में आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उन किसानों को बोला जाता है कि हमारी शर्त है कि आप जब तक यहां पर जाके नहीं बैठोगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि आप इस देश के अन्नदाता हो? तो क्या हुआ कि हम फोन के बिना, टीवी के बिना जी सकते हैं, लेकिन खाने के बिना नहीं जी सकते जो आप पैदा करते हो, लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे? इस देश के गृह मंत्री किसानों को कह के जाते हैं कि जब तक आप उस संत निरंकारी ग्राउंड में नहीं पहुंचोगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, और उनके पास किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन हैदराबाद में जाके प्रचार करने के लिए समय है। आज सुबह आप सोशल मीडिया पे देखिए तो इतनी बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं की तस्वीरें चल रही थी जो अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के आई हुई हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि केंद्र सरकार उन्हें सुने। लेकिन आज अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, हैदराबाद जाके रोड शो कर रहे हैं, सड़क की, सीवर की, नालियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस किसान की बात नहीं कर रहे हैं जो इस देश को खाना खिलाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को कि आज उस अन्नदाता तक की हम बात नहीं सुन रहे हैं। कानून हटाना ना हटाना तो दूर की बात है, पर जो हजारों किसान हैं, जो ठंड में बैठे हुए हैं, जो अपने घर छोड़ के आए हुए हैं, आज उनकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रचार हो सकता है, रोड शो हो सकता है, हैदराबाद में रैली हो सकती है, हैदराबाद में एक चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, लेकिन इन हजारों किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। लानत है ऐसी सरकार पे और लानत है ऐसे गृह मंत्री पे जिसने हमारे देश के किसानों को सड़क पर उतार दिया है, और जो आज शर्त रख रहे हैं उनके सामने कि जब तक तुम ये नहीं करते हो, जब तक तुम वो नहीं करते हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। Thank you.